हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ऐसा लग रहा है गर्मी का सीजन आ चुका है, थोड़ा ज्यादा ही गर्मी लग रहा है। मैं जा रहा हूँ अभी नहाने और ये सब थोड़ा अजीब सा हो चुका है। ये सब पूरा साफ करना पड़ेगा मेरे को। कल साफ करूंगा तो आज ही डस्ट ऐसा भर जाता है, क्योंकि इधर से धूल आता है ना, बहुत बहुत डस्ट उठते रहता है। ये जगह ही ऐसा है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मूड़ी लेने। अभी नहीं मूड़ी लेंगे, पहले एक काम है इसका वो कर लेंगे। कुछ दिन पहले फोन ठीक करवाने गया था, वहाँ पे एक चीज नहीं हुआ था, वो अभी ठीक करवाना है। अगर है तो करवा लेंगे, नहीं तो फिर वहाँ से सीधा मूड़ी लेंगे। तो गाइस हम निकल चुके हैं और इधर थोड़ा सा भी ठंडा नहीं लग रहा है, बिना जैकेट पहने निकले। ऊपर से गर्मी लग रहा है भाई, इधर तो अलग ही वेदर है भाई। ओ इन्वर्टर को वहां दे, वो बैटरी का ऊपर में रखा दे नोकिया का। इसका हेडफोन जैक चेंज हो जाएगा, पिछले बार बोले थे आया नहीं है, इस बार गया। कौन सा मोबाइल दिया है? रेडमी नोट 4 का है ना। कौन दिया है? नहीं आया इसका अभी तक। नहीं है ओ सीधी रो, जिस काम के लिए आए थे वो हुआ ही नहीं। मैं करूंगा ही नहीं अभी, यहां पे नहीं, कहीं और चलते हैं। तो गाइस इसका फोन का वो ठीक नहीं हुआ, ये बोल रहा अब लगाएगा ही नहीं। ओ यार अगर हो सके तो घर में ही लगाऊंगा, नहीं तो लगाना ही नहीं है उसको। हम लोगों को बोला था कि 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन आया ही नहीं है। और किसी का वो मतलब यही नहीं है, टेंशन ही नहीं कि भाई टेंशन नहीं है, वो सब सीन नहीं है, सब एटीट्यूड में है। दिखा रहे हैं भाई, उनको बेचना ही नहीं है, ऐसा सीन है। सही है, हमको भी खरीदना नहीं है तुमसे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मूड़ी लेने। अब बहुत ज्यादा शोर शराबा है रोड में, वो हमेशा रहता ही है, क्या ही करें। ये भी आ रहा है देख रहा है इस गली में कितना शांत, बाहर शोर शराबा वह कर रहा है, सब सो रहे हैं, सब सो नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? 8 बजे कौन सोता है? सो जाता हूँ, लाइट बंद हो गया पूरा। अगर सोता ना तो ये मोहल्ले में लाइट नहीं रहता है। कौन लाइट जला के रखता है, बिजली खर्च करता है। तो इसी गली के एंड में है मूड़ी बेचने वाला, तो वहाँ चल रहे हैं। ज्यादातर मैं दोपहर को आता हूँ लेने, लेकिन आज शाम को आए। दोपहर को थोड़ा ज्यादा गर्मी लग रहा था, मतलब हद से ज्यादा गर्मी, हद से। मन कर रहा था ठंडे पानी में घुस के रहूं पूरा दिन। ये क्या होता है गर्मी? थोड़ा देर पहले खुद ही बोल रहा था बहुत ज्यादा गर्मी है। कोई गड्ढा खोड़ा है, गड्ढा खोद के रखा है। खोद के रखा है मतलब घर बनाएगा कुछ, घर खड्डा चेंबर बनेगा। चेंबर इतना छोटा इतना ही रहता है, चेंबर बनेगा। चेंबर इतना छोटा नहीं रहता रे। ये देखो चांद 100 का दीजिए भैया। मुड़ी मुड़ी इसको डाउट लग रहा है 100 रुपए में इतना। अब देखो पहले मिलता था भाई 50 में इतना। पहले का बात है छोड़ यार, पहले तो 8 में एक कढ़ाई मछली मिलता था पहले। एक अठन्नी में एक कढ़ाई, बड़ा वाला कढ़ाई नहीं होता है, उससे भी पहले चला जाता था। तो 10 पैसे में 1 रुपया का सामान मिलता था। हाँ तो क्या वैसे 1 रुपया 00 उसके पीछे 100 रुपए का सामान मिलता था। मैं इतना भी एंसेंट नहीं हूँ गुड मॉर्निंग। वैसे ये गली में शाम तो है, हम लोग का गली में रात 1-2 बजे, सुबह 1-2 बजे तक शोर शराबा रहता है पूरा, हर समय शोर शराबा रहता है। उधर भीड़ रहते हैं ना, अगर इंसान भाई इंसान रहते ही नहीं है इधर। अगर इंसान चुप रहे तो डॉगी लोग आ जाते हैं भोगने यहाँ पर डॉगी सो रहे हैं मस्त। घर आ चुके हैं दोस्तों और मुड़ी भी लाया। ये रेदो को मम्मी बाबू जी का फोन। तो गाइस रात के लिए बन रहा है रोटी, मम्मी बना रही है। और इस गर्मी में रोटी यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तवे का जो हीट है ना भाई खतरनाक लगता है। क्या हुआ? रोटी के साथ और क्या होगा? दिन का सब्जी था गाइस, आलू और टमाटर का वो है, वो खा लेंगे। नहीं तो अगर कम पड़ा तो भाई आलू भुजिया बना लेंगे, नहीं तो अंडा भुर्जी बना लेंगे, देखते हैं। और इधर पापा जी अंगूर ला के रखे थे, ये देखो ये मस्त धो के भी खाएंगे। ये है भैया के लिए, ले अंगूर। अंगूर मैं नहीं खाता। नहीं खाएगा?
वो अंगूर नहीं खाता है, इसका मूड पे डिपेंड रहता है गाइस। कभी कभार अगर मूड हुआ तो अंगूर खा लेता है, मैं सोचा खाएगा इसलिए ज्यादा करके मैं धोया। भाई छोड़ो मैं अकेले खा देंगे, और थोड़ा मम्मी अंगूर खावे। जब तक रोटी ना बने तब तक मैं अंगूर खाता हूँ, फिर उसके बाद सब्जी उब्जी थोड़ा बनाऊंगा। सब्जी नहीं, आलू भुजिया बनाऊंगा और उसमें अंडा डाल दूंगा तो आलू भुर्जी हो जाएगा, आलू अंडा भुर्जी हो जाएगा। अगर दोनों खाने का मन है तो ऐसे बना खा सकते हैं अपन। आलू को भुजिया बनाओ, उसमें अंडा डाल दो, आलू भुर्जी अंडा वाला हो जाएगा। खैर बहुत बकवास कर रहा हूँ, छोड़ो। तो गाइस अभी आलू भुजिया बनेगा, तो उसके लिए मैं आलू अच्छे से स्लाइस कर लेता हूँ। आलू प्याज मिर्ची जो जो सामान चाहिए वो उसका तैयार कर लेता हूँ उसको पहले। ये देखो आलू काट लिया, अब इसमें पानी देगा, थोड़ा धो लेना है। प्याज एकदम छोटा छोटा प्याज चॉप, क्यों? क्योंकि अंडा और प्याज का एक अलग ही स्वाद आएगा जब मिक्स होगा ना, तो इसलिए मैं छोटा छोटा काटा हूँ। कढ़ाई गरम, तो गाइस कढ़ाई में गरम तेल डाल के अभी थोड़ा जीरा देने वाला हूँ इसमें। जीरा थोड़ा डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है। परफेक्ट परफेक्ट, जीरा भी चला गया, अब सीधा जाएगा इसमें। तेल थोड़ा ज्यादा दिया हूँ गाइस, क्योंकि इसमें अंडा भी मिक्स करने वाला हूँ, तो इसलिए थोड़ा तेल थोड़ा ज्यादा चाहिए, नहीं तो फिर चिपक जाएगा कढ़ाई से आलू। आलू 40% पक जाने के बाद मैं प्याज दूंगा, और मैं नहीं देने वाला हूँ, प्याज जो काट के रखा हूँ वो उसमें डालूंगा कढ़ाई में। और फिर प्याज भी जब थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा ना, तब टमाटर और बाकी जो अगर मसाला वगैरह चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। तो मैं ज्यादा मसाला नहीं देने वाला हूँ, बस मेरे लिए तो एक ही रामबाण जो बोलते हैं वो है मैगी मसाला। ये मैगी मसाला यूज करूंगा जिससे स्वाद का चामुंडाए स्वाहा। जैसे ही प्याज डाला ना गाइस, प्याज डालने के बाद जो स्मेल आता है, जो सुगंध आता है, ऐसा लगता है कि अभी हो गया, इसको अभी खा सकते हैं। थोड़ा आलू पक जाए उसके बाद टमाटर डालेंगे, फिर मिर्ची। मिर्ची एकदम पहले नहीं देना, नहीं तो पूरा किचन धुएं से भर जाएगा और खांस खांस के हालत खराब हो जाएगा। थोड़ा देर पकने देते हैं, एकदम लो फ्लेम में रखा हूँ, 350 वाट में रखा हूँ। लगभग कितना, 2-3 मिनट बाद जाने से भी होगा। और मम्मी जी ये देखो नमक ला के देती है, नमक खत्म हो गया है गाइस। तो ये नमक अभी क्या करूँ, नमक का काम हो चुका है, 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें जाएगा मैगी मसाला और हल्दी। अब थोड़ा देर हाई फ्राई करते हैं। तो मम्मी जी कितना अंडा दूं, मतलब अंडा यूज करूं? दो। अंडा दे दिया गया है, अब उसको फ्राई करना है, लेकिन कोई चला के छोड़ देता है यार। टंकी फुल हो गया है, तो जाके बंद कर दिया। अब अपना काम जो कर रहा हूँ चालू करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अंडा को एकदम अच्छे से मतलब भुनाई करना पड़ेगा, इसका जो स्मेल है ना कच्चा कच्चा वो निकल जाएगा। अगर नहीं निकला ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने को, वो स्मेल करता रहेगा। तो अच्छे से भुनाई करना है, एकदम डीप फ्राई करना है। आलू पिसा जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडे को अच्छे से एकदम फ्राई करना पड़ेगा। जब ये गीला रहता है ना तो चिपकता है, जैसे ये पूरा बन जाएगा ना तो चिपकना बंद हो जाएगा, एकदम गर्मी के मारे इधर उधर भागते रहेगा। देखो अभी जैसे कि अभी चिपक नहीं रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा हुआ है ना, इसको हटा देंगे ऐसे करके। अंडा अलग और आलू अलग हो जाएगा, वो अंडा का जो स्मेल है वो लगे एकदम पता नहीं चलेगा। ऐसा फ्राई करना पड़ेगा अभी। और मम्मी जी ब्लॉग देख रही है, अच्छा लग रहा है, है? मेरा तो मोटिवेशन नहीं है, मम्मी देखे और मम्मी को अच्छा लगे यही ठीक है। तो गाइस बन गया, बन के रेडी। मिर्ची का आ गया। खैर गाइस थोड़ा देर बाद डिनर करेंगे, अभी थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। भाई थोड़ा सा काम किया तो पसीना से पूरा भींग गया मैं, पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी। तो गाइस डिनर हो चुका है, और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ सोने।
नींद सा लग रहा है इतना जल्दी अभी तो 10 बजे 10 12 बजने वाला है 10 से मम्मी तुमके लिए तो 10 मेरे लिए 10 अभी एडिट करूंगा थोड़ा फिर सो जाऊंगा। आँख वैसे भी जल रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं काम इज काम। तो फिलहाल गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।